حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الحكم وله الأمر، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام واخوات السيدات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيز بھائی اور قبل اس کے کہ میں اپ کو نصیحت کا آغاز کروں میں اپنے کسی سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کریں.

क्योंकि हम जानते हैं ये अल्लाह के अलैहि वसल्लम की सुनत मुबारक नहीं है कुरान की तिलावत वाज से कबल लेकिन मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ भाई भाई से कह रहा हूँ मेरे लिए ऐसा करें क्योंकि मेरी आंखें बखूबी एडजस्ट नहीं हो रही और लिहाजा मैं यकीन दहानी हासिल करना चाहता हूँ कि तिलावत दुरुस्त हो इनशा بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من يشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم هو الله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم फ्री इसे अबुल अब्बास की सनत हासिल है अब्दुल्ला इबन अब्बास रजील्ला तलाम फरमाते हैं एक दिन मैं पीछे था यानी अल्लाह के रसूल के पीछे सवारी पर था मोहम्मद सल्लाह वसल्लम और उन्होंने मुझसे फरमाया ऐ शख्स ऐ नौजवान मैं तुम्हें नसीहत के चंद अल्फाज सिखाता हूं अल्लाह से खबरदार रहो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा अल्लाह को याद रखो और तुम उसे पाओगे अपने सामने अगर तुम सवाल करते हो लिहाजा अल्लाह सुबहान तला से सवाल करो और अगर तुम मदद चाहते हो अल्लाह से मदद मांगो और जान लो कि अगर तमाम कौम बाहम इकट्ठी होकर तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे वो तुम्हें वही फायदा पहुंचा सकेगी जो अल्लाबहान ताला ने पहले ही तुम्हारे लिए तजवीज कर रखा है और अगर कौम सब की सब बाहम इकट्ठी होकर नुकसान पहुंचाए किसी भी किस्म का महज उतना ही जो अल्लाह सुबहानुता ने पहले ही तुम्हारे लिए तजवीज कर रखा है कलम उठा लिए गए हैं और सफात खुश हो चुके हैं ये कदर का मामला है और तिरमेजी ने इसे बयान किया है जिन्होंने कहा यह एक मोस्त हदीस से मुबारक है और एक रिवायत इसके अलावा तिरमेजी इतफाक करते हैं अल्लाह से खबरदार रहो तुम तो उसे पाओगे अपने सामने अल्लाह को याद रखो खुशहाली में और वो तुम्हें मुसीबत में याद रखेगा याद रखो कि जो तुम पर गुजरा है तुमसे पहले नहीं गुजरा और जो तुम्हारा पीछा कर रहा था तुम्हारे करीब से नहीं गुजरा और जान लो के फता सब से हासिल होती है और राहत मुसीबत के बाद और आसानी मुश्किल के बाद अजीज भाई और बहनों ये अहम है कि हम अपने जहनों में रखें कौन ताकत का हामिल है कौन कदर को कंट्रोल कर रहा है और कौन दुनिया चला रहा है और कौन निशानियां भेज रहा है और कौन अमूर कंट्रोल कर रहा है और किसके हाथ में है फर्मा रवाई आसमान और जमीन की और कौन हरकत दे रहा है और बनी नौ इंसानों के दिल फेर रहा है और कौन उन्हें राह दिखा रहा है किसकी जन्नत की या जहन्नुम की यह अल्लाह सुबहाना ताला ही है और हमें कुरान पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि अजीमतर ताकत और अजीमतर मुसीबत के मुकाबले में और जमीन पर मुताला करते हुए कुफार की ईमान वाले फरामोश करके बजाते खुद सोचते हैं कि अल्लाह सुबहान तला के अलावा कोई और मौजूद है जो अमूर चला रहा है और इसलिए वो अल्लाह की जानब रजू नहीं करते वो कुफार की जानब रजू शुरू करते हैं और ये शैतान की साजबाज है हमें इसे अपने जहनों में रखना है कि जब हम अल्लाह को पुकारते हैं हमें इखलास का हामिल होना चाहिए हमें याद रखना है कि पैगंबर सल्लाह वसलम ने हमें एक शख्स के बारे में बताया था जिसने एक तवील सफर तय किया और उसके जिस्म पर सफर की अलामत थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बैठ गया और उसने कहा या अरब या अरब वो मकाम हु बिल हराम उसने जो खाया वो हराम था और उसने जो पिया वो भी हराम था और जिससे अपने कुंबे की परवरिश की वो हराम था आपने कुंबे को जो लिबास फराहम किया था और उनकी जरूरियात के लिए जो कुछ दिया था वो भी हराम था तब वो कैसे तवक्को कर सकता है कि उसे जवाब दिया जाए ऐ मुसलमानों अल्लाह सुबहाना उतला आपको और मुझे याद दिलाता है जो नेकी होती है ये मिन जाने अल्लाह सुबहाना ताला है और अगर उसके अलावा कुछ होता है ये हमारे किए का फल है अल्लाह सुबहाना उतला ने आपको और मुझे हुक्म दिया है नेकी का हुक्म दो और बदी से उन्हें रोको और जब हम ये करना छोड़ देते हैं हम नेकी का हुक्म नहीं देते और हम नेकी का हुक्म नहीं देते और उन्हें बदी से नहीं रोकते तब अल्लाह सुबहाना तला ने वादा किया है वो हम पर नाजिल फरमाएगा एक मुसीबत अपनी तरफ से लिहाजा जब मुसीबत आती है या आपको सजा दी जाती है और आप पर मुसीबत नाजिल होती है आप अल्लाह को पुकारते हैं वो जवाब नहीं देगा आजकल मुसलमान क्या तो करते हैं आजकल मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है क्या मसावी नहीं है जो उनके साथ हुआ था जब चंगेज खां आया था मंगोल यह ज्यादा पुरानी बात नहीं मंगोल नाजिल हुए मुसलमानों पर एक अजाब की शक्ल में अल्लाह सुबहाना तला की जानब से वो अल्लाह का आजाब कहलाते थे एक बीमारी एक मुसीबत जो अल्लाह सुबहाना की जानब से कुफार के हाथों नाजिल हुई लिहाजा वो मुसलमानों पर नाजिल हुए और उनकी बेहरूमती की उनके सर कलम किए और उनकी खोपड़ियों के बाहर और उनकी खोपड़ियों के अंदर शराब ओंडे ली और मैं की और तब उनकी खोपड़ियां इकट्ठी की और दीवारें तामीर की और तहजीबों को तबाह किया लेकिन ये वही लोग वही लोग सौ बरस बाद कुरान ने उन्हें तस्खीर किया और वो मुसलमान हो गए और मां बाप वो हुक्मरान बने लिहाजा अल्लाह सुबहान तला आपको दिखाता है वो कैसे बदलता है एक बंदे को दूसरे से अपनी कदर के जरिए लिहाजा मुसलमानों ज़हन न बने रजत पसंद न बने कमजोर न बने आहमक न बने और मत यकीन रखें कि कोई दूसरा हामिल है किसी कुदरत का अल्लाह सुबहान तला के हम सजा भुगत रहे हैं अल्लाह की जानब से अपने आमाल की वजह से और अपनी नजरअंदाजी की वजह से आप अल्लाह सुबहाना तौला से रजू करें अल्लाह हमारी जानब रजू करेगा अगर मुसलमान आप और मैं अगर हम बिस्तर नहीं छोड़ सकते सुबह के वक्त नमाज फज्र के लिए आप दुश्मनों को नहीं मार सकते और आपके दुश्मन पहले ही जानते हैं कि आप किस किस्म के मुसलमान हैं इससे पहले कि आपकी सरजमीनों का रुख करें लिहाजा मुसलमानों दीगर लोगों पर उंगली मत उठाओ इल्जाम धरने वाले न बनो लान तान करने वाले न बनो शिकायत करने वाले न बनो अपने मुतालिक कहते हुए क्या आजाब है क्या आजाब है कहें जो जूना सलाम ने कहा था जिस वक्त उन्हें निगल लिया था एक मछली ने उन्होंने क्या कहा كنت खुद को इल्जाम दे जब हम अल्लाह की जानब वापस जाते हैं अपनी इबादत में अपने अकीदे में अल्लाह हमारी जाने वापस आएगा वो हमें जवाब देगा वो जब हमें जवाब देगा वो हमारे दुश्मनों को तबाह कर देगा और वो हमारे लिए मदद भेजेगा अपनी जानब से। वो जुनूद अजीज भाइयों और बहनों हम सब तब्दीली चाहते हैं और दुनिया में हर चीज तब्दीली के ताबे है एक इंतहाई काबिल पेशीन गई खसूसियत जिंदगी की है कि तब्दीली नागुज़ीर है तब्दीली हम मामूली साबित कदम तब्दीली कोई रोक नहीं सकता कोई ऐसा जवान नहीं जो रोक सके अपने बुढ़ापे को ता वक्त के मौत मदाखलत करती है कोई भी नहीं जो वक्त को रोक सके और अल्लाह सुबहन तौला ने हमसे फरमाया वो जमाने की कसम खाता है लाफी खुस ये कायनात अपनी तमाम तरवसत के साथ और गुना गोई के साथ एक सोच का नतीजा है और एक लफ्ज अल्लाह सुबहाना जानिब से और एक मुआन हुक्म रहमानी जरिए से उन सुर में जहूर पजीर हुआ एक दुनिया जो मुसलसल तब्दील हो रही है दुनिया जैसा कि हम इसे जानते हैं और बिलखसूस ये कुर्रा अर्स अपने छोटे बड़े निजाम के साथ मामूली और गैर मामूली तब्दीलियों के नतज में जब हम फितरत का मुशाहिदा करते हैं नाकाबले तरदीद है कि तमाम तर तखलीक अपने मौसम और मराहल की हामिल है और मुशाहिदा करते हैं तब्दीली के असूल का बनी नौ इंसान जो पेचीदा तरीन है और तखलीक का काबले फख्रंसर वो भी तब्दील के तबे है तब्दीली के असूल की एक मिसाल जैसा कि हम तमाम मराहल के जरिए देखते हैं गोद से कब्र तक इंसान मुसलसल तब्दील हो रहा है वह खलक नल इंसान फी खब व खलक नल इंसैन फी अह सैनी थकवीन सुम रज नीन जद तो जहद करते हुए साबित कदमी के साथ वहां पहुंचने के लिए जो पहले ही मुकद्दर किया जा चुका है असूली तब्दीली के तहत नागुजीर तौर पर कुरुन मौत। इस दुनिया में इंसान मखलूकात है महज अपनी अहलियत की बिना पर अपनी जहानत के इस्तेमाल की क्योंकि जहानत वो इस कदर पुरकुवत न थी जैसे एक शेर एक हाथी या एक घोड़ा या एक हाथी और वो उन पुरकुवत जानवरों का जाल में फंसाने का अहल ना होगा और उन्हें चिड़ियाघर में डालने का लेकिन वो जानवर उसे जाल में फंसाएंगे और उसे चिड़ियाघर में रखेंगे लेकिन अपनी जहानत की वजह से जो अल्लाह सुबहान तला से उसे अतिया की है वो बन जाता है जमीन पर बरतर मखलूक शुक्रा है बरी न एक बरतर्क मखलूक है अपनी अहलियत की वजह से जहानत के इतला की अहलियत पैमाइश करना मनसूबाबंदी खाका बनाना तखमीना लगाना बंदोबस्त करना बोल चाल इस दुनिया में तमाम काम रद्द अमल फित्री तौर पर अनदेखे कानून के लिए दिल धड़कने की माने इंसान दिल धड़कने का हुक्म नहीं देता जैसे आंख झपकती है इंसान के हुक्म के बगैर जिस तरह फेफड़े सांस लेते हैं वो उन्हें सांस लेने का हुक्म नहीं देता जिस तरह वो अपनी खुराक निगलता है वो खुद को ऐसा करने का हुक्म नहीं देता लेकिन लेकिन ये सब कुछ फितरी तौर पर होता है क्योंकि अल्लाह सुबहाना ने उसे हुक्म दिया है पूरा करना एक मकसद की तकमील का हमेशा यही सूरत है खा वो है, खा वो वो है है मख़फ़ी बावजूद इसके के तमाम चीजें ताबे हैं एक पहले से मुकर करता वजह की जो उसके डिजाइनर और ख़ाले की खालत जाहिर करता है वो महज इंसान जाहिर करता है अमल के इंतखब को डार्विन जिसने इंसान को गुमराह किया वो गलती पर था अगर उसने कहा कि इंसान बंदर से आया है बंदर कभी इंतखाब नहीं करते बंदर कभी नहीं रोते और बंदर कभी हंसते नहीं और जब बंदर मर जाते हैं उन्हें कभी नहीं उठाया जाएगा योम क्यामत पर और उन्हें झानों में नहीं फेंका जाएगा और ना ही वो जन्नत में जाएंगे लेकिन बनी ना इंसान अल्लाह सुबहान ने उन्हें तखलीक फरमाया वो सब कुछ करने के लिए लिहाजा बनी नौ इंसान का इरतः एक चीज है और बंदरों का इरतका एक दूसरी चीज है लेकिन डारो एक काफिर था लिहाजा वो आप नहीं जानते बनी नौ इंसान के इंतबात वाज और बाजाबिता है ये रहनुमाई कर सकते हैं एक रास्ते की जानब बात अखलाकी और ना और तबाही और बर्बादी या अपना सकते हैं रोशन ख्याली और बसीरत और हतमी अच्छाई जैसे कि अल्लाह सुबह फरमाता है वहाई नज वो उसे रास्ता दिखाता है और उसे इंतखाब का हक देता है यह आपके लिए मेरा बयान है कि इंसानी शूर की जमीन सख्त तरीन हो सकती है उस बीच के लिए जो बोया गया है पैगंबर सल्लाम ने फरमाया खुलूलो बिनियत बनी नौ इंसान महस नफा पाएगा जिसकी उसने नीयत की होगी इसलिए कलीदी उनसुर नजरिया अबलाक का हथियार है अगर हम जानना चाहते हैं बनी नौ इंसानों के मा बहन पर कुत तरीन अंसर क्या है यह अबलाक है यही वजह है के अला तआला ने अपनी वही का आगाज किया अपनी मखलूक के साथ अपने पैगंबर तो वसल्लम के साथ हमारा इकरा इकरा पढ़ो या तिलावत करो और तब उसके बाद फरमाया उसने तखलीक किया अपने अबलाग के हिस्से के तौर तो पर कलम और इंसान को सिखाया क्या जो वो नहीं जानता था पढ़ने के जरिए तिलावत के जरिए कलम के जरिए तालीम अल्लाह सुबहान तला ने अता फरमाई और बनी नौ इंसान को अता की मतलब क्या वो तदाबीर तो जिनसे जमीन पर गलबार खुद को महजब बनाया जा सकता है और अबलाहलियत है मुंतकिल करने की दानिश दानिशमंदाना पैगाम दीगर इंसानों को इस तहरीक के जरिए जो उसके खालक ने उसे अता फरमाई है अबलाग के ये तरीके कारगर और मसर हैं जो शुरू पर मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज हो सकते हैं टेलीफोन की मानन कैमरे की मानन टेलीविजन की या सैटेलाइट की माने वो इंसान की सोच है कि वो अपने जहन से कैमरा बना सकता है सैटेलाइट बना सकता है कंप्यूटर बना सकता है टेलीविजन बना सकता है वो टेलीफोन बना सकता है लेकिन अल्लाह ताला को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करता है क्या वो सोचता है वो अब कर सकता है जो उसके आइडियाज हैं दूसरों के मुतालिक और दूसरों को तालीम देना है दूसरों को मुजयन करना है और वह दूसरों की सोच बदलता है और उन्हें तैयार करता है लेकिन अल्लाह सुबहाना उतला ऐसा कोई जरिया इस्तेमाल नहीं करता अपना पैगाम अपनी मखलूक को मुंतकिल करने के लिए हाँ, अल्लाह सुबहाना उतला ने उसने अपना हुक्म पहुंचाया अपनी मखलूक पर फित्री तौर पर बनी न हो सकता है ब्रेन वॉश या उसका जहन नापाक हो सकता है हम मुसलमान हमें हुक्म है कि दिमाग की सफाई करें क्योंकि कुफ्फार बजरिया पैरोकारने शैतान जहन को नजिस कर रहे हैं जहन को नजिस करने के लिए जहन को जहरीला करना होता है खुद के खिलाफ और उसके रब के खिलाफ और ये दो जख तक जा पहुंचता है और ब्रेन वॉश करने के लिए दिमाग को साफ करना है और रूह और दिल को साफ करना है किस लिए ताकि वो मौसू करने के काबिल हो मुनासिब अबलाग अपने रब से और ये जा पहुंचता अपने हतमी मकसद तक इसे जेबाइश कहें इसे तालीम कहें इसे अफजाइश कहें भरी इंसान बरा रास्त जेर असर है उसके जो उसको सिखाया है जाहिर किया या तरगीब दी अल्लाह के पैगम्बर वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हर बच्चा जन्म लेता है किसके मुताबिक एक फितरत एक फितरी रुझान जब रूहें तखलीक की गई थी अल्लाह सुबहाना तला ने रूहों से पूछा उनकी तखलीक से पहले क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं और उन्होंने गवाही दी लिहाजा हर एक रू फित्री रुझान की हामिल है अल्लाह की गवाही देने की और अल्लाह की इताद की लेकिन वो जब इस दुनिया में जन्म लेती है उस नए माहौल में यह उनकी माँ है यह उनका बाप या बजाते खुद माहौल वगैरह, जो उन पर उससे हटकर छाप लगा देता है एक यहूदी एक ईसाई एक आग का पुजारी आई काफिर यह साबित किया जा सकता है नफसियात के जरिए तारीख के और आम जहनीत के जरिए हम सब ने असूल सुन रखा है कि सोहबत जन्म देती है मुशाबहत को पैगंबर अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स जाना जाता है अपने दोस्तों से और हमें यह भी बताया असर और रसूख के बारे में अगर एक शख्स किसी के पास जाता है जो इतर फरोश है और वो उससे खुशबू नहीं खरीदता है महज उसका दोस्त उससे कहता है भाई कुछ ले, देखें, वो कहता है, भाई कुछ ले इसे सूंघे ये बहुत उमदा है और वो थोड़ी बहुत सूंघता है आप कोई खुशबू खरीद नहीं सके बल्कि आप वापस आ गए बहुत खुशबू में बसे हुए इसी तरह अगर आप एक दोस्त के पास जाते हैं जो कोई चीज जला रहा है मसलन लोहार है या सिगरेट नोशी कर रहा है या कोकीन या कुछ भी लोग धुआं उड़ा रहे हैं सिगरेट नोशी आप उसके साथ बैठते हैं और आप सिगरेट नोशी नहीं कर रहे हैं जब आप उससे रुखसत होते हैं कोई कहेगा भाई आपके लिबास से बदबू आ रही है आप सिगरेट नोशी कर रहे थे अगर चे आग ने आपको नहीं छुआ लेकिन छाएगी उसकी बदबू आप पर ऐसी ही है हिकमत पैगंबर अलैहि वसल्लम की हमें बताने के लिए सोहबत के मुतालिक लिहाजा जब मालिक को आका सुबहाना उताला उसने हमसे फरमाया अपनी वाज में इला सबील आपने रब के रास्ते की जाने बुलाओ आपने रब की जाने मदू करो तुम्हारे रब की सबील क्या है तुम्हारे रब की सबील इस्लाम है तुम्हारे रब की सबील कुरआन है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यह हमारे रब की सबील है अपने रब की सबीर की जाने बुलाओ तो की जाने बुलाओ अल्लाह सुबहाना की इस्लाम के अकीदे की जाने बुलाओ रसूलम की सुन्नत वारका की जाने बुलाओ अखलाक की जाने बुलाओ रसूल सल्लम के और रवैये की जाने बुलाओ, बुलाओं बनी नौ इंसान को बुलाओ वो जो कोई भी है और फैसला साजी ना करो कि ये बुलावा उसके लिए नहीं उसके लिए है ये बुलावा महज उस एक के लिए है या उस एक नहीं हर एक को बुलाओ और मत बुलाओ सिर्फ जबानी खिलामी बल्कि अपने रवैये से दावत दो क्योंकि आपका रवैया बुलंद आवाज है बनिस्बत अल्फाज के Allah के पैगंबर अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भेजा गया है इस दुनिया में क्या कामिल बनाने के लिए अच्छे इल्लल्लाह अच्छे आदाब अगर मुसलमान अच्छे आदाब का मुजाहरा करता है अगर वो पैगंबर वसल्लम के अखलाक नकल करता है लोग उसका एहतराम करेंगे इज्जत उसके पास वापस आएगी क्योंकि ये जहन में रखें सुहान अल्लाह पैगम्बर सल्लम की खूबसूरती बावजूद इसके कि वो लोग जो उनके मुखालिफ थे जिन्होंने उन्हें हला करने की कोशिश की जो उनके खिलाफ लड़े उसकी वजह यह ना थी कि वो उनका एहतराम नहीं करते थे उसकी वजह यह ना थी कि वो वकार के हामिल न थे उनकी निगाह में उसकी वजह यह ना थी क्योंकि वो कदर ना करते थे उनके अहतमाद की वजह यह न थी क्योंकि वो उनकी इज्जत ना करते थे वजह यह थी कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे वो फायदा उठा रहे थे अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से इसलिए उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हैं अगर आप पसंद करें हम आपको अपना बादशाह बना ले और हम अपनी दौलत में से नेस्त आपको दे दें आप क्या चाहते हैं अगर आप हमारी बेटियां चाहते हैं हमारी औरतें जो आपको पसंद हो और अगर आप चाहते हैं हम कभी कोई फैसला ना करें आपके बगैर मगर हमें मजबूर ना करें इस हुक्म की तस्दीक पर महज हमें मजबूर ना करें इस नई शरीयत की जिसका हुक्म अल्लाह सुबहाना तला आपको दे रहा है हमरा हमें मजबूर ना करें कि छोड़ दें जो बड़ों ने हमें अता किए हमारे साथ मिल जाए हमें बर्दाश्त करें हमारा साथ दें हम आपको हर चीज देंगे जिसकी आपको जरूरत होगी लेकिन हमें ऐसा करने को ना कहें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अगर तुम रख दो तो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद जो दो रोशनियां हैं तमाम दुनिया की मैं कभी तर्क ना करूंगा वो जिम्मेदारी जो अल्लाह ने मुझ पर डाली है और याद रखो हत्ता के मक्का में तेरा बरस बाद जब अल्लाह ने पैगंबर अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हिजरत करें उन्होंने अली को छोड़ा सैदना अली अपने घर में क्या ऐसा नहीं है सैयदन अली को क्यों अपने घर में छोड़ा वो उन्हें हलाक करने के लिए आ रहे थे और यकीन अगर वो को अपने घर में छोड़ते हो सकता है वो को हला कर देते रजी अल्लाह लेकिन उन्होंने अल्लाह सुबहाना तला के हुक्म की पैरवी की और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ने कुफार को अंधा कर दिया लिहाजा वह उनके पास से गुजर गए उनके सरों में मट्टी डाल दी और वो पास से गुजर गए और जब वो घर के अंदर आए या उन्हें हला करने ऐसे कि उन्होंने मनसूबाबंदी की थी वो वहां मौजूद ना थे बल्कि अली वहां मौजूद थे रजी अल्लाह रजियाल्ला और अली को पूछा लेकिन अली रजीला तला ने उनसे कहा क्या तुम नहीं जानते कि मोहम्मद वसल्लम ने मुझे वहां क्यों छोड़ा उनके पास तुम्हारी अमानतें थी तेरह बरसों से वो पैगंबर के साथ लड़ रहे थे उनके पैरों को, को हला कर रहे थे उन पर तशद कर रहे थे बहुत अंतराशी साजिशें लेकिन उनके घर में उनकी अमानते मौजूद थी और कभी ना आए और ना कहा उनकी वापसी के लिए सुबह अल्लाह भाइयों आप जानते हैं अगर मेरे पास सिर्फ आपके सौ डॉलर हो आपके सौ डॉलर अगर मेरे बैंक में मौजूद हो और मैं आपकी तोहिन कर दूं आप मुझे मजीद पसंद नहीं करेंगे अगले रोज आएंगे और सौ डॉलर के लिए पूछेंगे कुरैश मोहम्मद वसल्लम के पास ना आए थे और अपनी रकम वापस नहीं मांगी थी बल्कि उसे उन्होंने उनके भरोसे पर छोड़ा था क्योंकि वो थे अल अमीन हत्ता के उनके दुश्मन उन्होंने कभी नहीं किया कोई इम्तियाज मां बहन उनके कौल और फेल किए उन्होंने पैगाम कबूल ना किया लेकिन यह उन पर वाजे था हत्ता कि जब वो बच्चे थे तब भी वो अल अमीन थे भाई और बहनों पहले हमारा रवैया है जिससे हमने देखना है ताकि लोगों को दावत दीन दे सकें अजीज मुसलमान भाई और बहनों अल्लाह सुबह ने फरमाया सबको राह खुदा की दावत दो हेकमत के साथ अच्छी तबलीग के साथ और उनके साथ बहस करो मुतमिन करो और चैलेंज करो क्योंकि यह बेहतर है हमें ईसाइयों के पास जाने की जरूरत नहीं है या यहूदियों के बहस करने के लिए उस गंदगी पर जिस पर वो यकीन रखते हैं हम उन्हें कायल नहीं कर सकते ईमान लाने के लिए अगर अल्लाह सुबहान तला नहीं खोलता मैं यह फला फला लेकिन हम हैं जो कुछ वो कहते हैं उन्हें बेहतर दो ज्यादा कायल करने वाली दलील कहां से कुरान से कहां से सुन्नत मुबारक से क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा क्या फरमाया खैर उल कलाम किताबुल्लाह व खैर हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्र अल उमूर मुहदसातुहा लिहाजा उनके साथ बहस करो किन अल्फाज में जो बेहतर और ज्यादा कायल करने वाले हों इन रब्बक तुम्हारा रब जानता है कौन गुमराह हुआ और वो जानता है कौन है मैन मुहत कौन हिदायत याफ्ता है वो ताकत और असमत वाला है उसने फरमाया वो मैं नौ वो कॉले मिनल मुस्लिमी अल्लाह सुबहाना फरमाता है और कौन बेहतर है कौन बेहतर है दूसरे से कौन अपने कलाम में बेहतर है दूसरे से कौन बुलाता है अल्लाह की जानेब और उसके बाद वो उस पर अमल करते हैं वो करते हैं क्योंकि अल्लाह सुबहान तला कोई परवाह नहीं कौन दूसरे से बेहतर है जो पंफलेट देता है तब उसके बार अक्स होता है उसे इसकी कोई परवाह नहीं जो किसी दूसरे को कहते हैं आओ मस्जिद में लेकिन बजाते खुद फज्र के मौके पर वो मस्जिद नहीं आता वो जो लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं मोहम्मद वसल्लम के बारे में लेकिन वो सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं और सुन्नत के कुछ हिस्से जिसे वो पसंद नहीं करता

लिहाजा उन्होंने फरमाया इंसानों में कौन ज्यादा बरतर है दूसरों से वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और नेक अमाल करते हैं अच्छा किरदार और काबले तारीफ रवैया और कहता है खुलम खुल्ला हर एक से हकीकत छुपाए बगैर मैं मुसलमानों में से हूं खुलम खुल्ला वो कोशिश नहीं कर रहा मख् मुसलमान होने की वो अपने इस्लाम को छुपा नहीं रहा कुफार से फायदा उठाने के लिए वो अपना नाम नहीं बदलता वो खुद को नहीं बदलता या नहीं बदलती वो सुन्नत पर अमल कर रहा है अपनी बेहतरीन अहलियत के मुताबिक वो ऐलान कर रहा है अपने, अपने रवैये के साथ और वाज तौर अपने किरदार के साथ कि मैं एक मुसलमान हूं क्योंकि कैसे कोई जवाब देगा पुलिसमैन को अगर वो वर्दी में नहीं है अगर आप अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर बाहर आता है आका ऑपरेशन करने लेकिन वो जो पहनता है उन लोगों का जो कचरा खाली करते हैं वो कहते हैं अंदर आओ आप वहां अंदर नहीं जाते नहीं आप मुंतजर हैं कि वो मलबूस हो अपनी वर्दी में लिहाजा लोग कैसे जानेंगे कि आप मुसलमान हैं अगर सुन्नत की वर्दी में मलबूस नहीं मेरे अजीज मुस्लिम भाई और बहनों लिहाजा हम देखते हैं और दौड़ते हैं हम दौड़ देखते हैं और सख्त तरीन मुकाबलाबाजी अंदाज़ होने के और हिदायत देने के लिए बनी नौ इंसान की सोच को हाँ दौड़ लगी है मुकाबलाबाजी है एक शदीद मुकाबलाबाजी क्या करने के लिए इंसान के दिलो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दौड़ है तमाम कंपनियां तमाम टेलीविजन पर रेडियो पर पर, तमाम ममालिक तमाम अकवाम वो किस कारोबार में मुलविस हैं मुतासर करने के लिए और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए इंसानों के दिलो दिमाग को लिहाजा अल्लाह सुबहाना ने हमें बताया फस्टाई नीव सोलैट लिहाजा अल्लाह सुबहन तौला ने हमें बताया फस्टा बिल खैरा मुकाबला करो नेकी में और वो वो जरा अबलाग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सकाफत इस्तेमाल कर रहे हैं वो तालीम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने हुकूमती इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं यह उनकी दावत की तर्ज है ये उनकी दावत है कुफार की दावत और दुनिया की दावत है चूहा he और दुनिया की दावत है चूहा he हुकूमतों की दावत और इदारों की दावत लिहाजा तमाम दुनिया दावत में मसरूफ है और अगर आप दावत देने के अहल नहीं तो आप क्या बनेंगे मुद्दी आपको दावत देनी है या आप मुद्दी बनेंगे वो जो दावत मौसूल कर रहा है और उनकी दावत ये कभी नहीं रुकती जबकि आप सो रहे हो जब आप बेदार होते हैं ड्राइविंग कर रहे होते हैं आप देख रहे होते हैं जो कुछ वो आपको बता रहे होते हैं और ये आपके ज़ेनों के अंदर जा रहा होता है और आपके बच्चों के ज़ेनों के अंदर लिहाजा आपके बच्चे और आप बतौर मुसलमान बाहर निकलते हैं और बतौर काफिर घर वापस आते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं हम अपनी दावत कैसे दे सकते हैं जैसे वो अपनी दावत देते हैं एक अपने इस्लाम इल्म पर नजर करें क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह सुबहाना ने हर चीज का आगाज इल्म के साथ फरमाया आप दावत दे सकते हैं और आप हत्या के अपने दीन पर रूब अमल हो सकते हैं इल्म के बगैर बेल उसने इल्म के साथ आगाज किया इल्म के बाद वहां है इल्म अमल और उसके बाद क्या है अल्लाह की दावत और अल्लाह की दावत के बाद इस फी। आपने इस्लाम इल्म पर नजरसानी करें और रोजोना तीस मिनट सर्फ करें अपने कुनबे के साथ भाइयों और बहनों बैठ जाए और खुद से पूछे मैं कितना कुरान को जानता हूं क्या मैं एक जूस जानता हूं या मैं दो जानता हूं क्या अल्लाह सुबहनो तौला की किताब अफला क्या मैं अपनी नमाज जानता हूं क्या मैं तहारत के कवानी जानता हूं क्या मैं बुनियादी कवानी जानता हूं जो अल्लाह सुबहान तला ने मुझ पर लागू किए हैं अरकान इस्लाम के बारे में क्या मैं जानता हूं और समझता हूं निकात और अदब और इस्लाम का आकीदा क्या मैं इसे जानता हूं दिन में तीस मिनट सर्फ करें और अपने इल्म पर नजर ऐसानी करें किसी के साथ बैठ जाए इल्म का एक तालब इलम या तालब का कालब इलम या इस्लाम के मुफ्क उनके साथ बैठे तीस तीस दिन तक तीस घंटे माफ कीजिएगा हफ्ते में तीस मिनट नजर सानी करें जो आप जानते हैं आपने कुनबे के साथ बैठे और मुआयना करें वो किसके हामिल हैं अपने भाई या बहन के साथ बैठे अपने जवाब तैयार करें दस या बीस आम पूछे गए सवाल के इस्लाम और मुसलमानों के बारे में खुद से पूछें काफिर मुझसे क्या पूछेंगे खुद से दरियाफ्त करें काफिर मुझसे क्या पूछेंगे जब मैं एक काफिर से मिलता हूं वो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है दस अहम सवाल क्या है जो वो पूछेगा या बीस सवाल वो पूछेंगे मुश्किल सवाल नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है वो चलाकी पर मबनी सवालत नहीं है वो पेचीदा सवालत नहीं है आप क्यों मुसलमान हैं मुझे क्यों मुसलमान होना चाहिए या कुरान क्या है मोहम्मद सल्ला व्या व्या कौन है आखिरत का क्या सबूत है क्या सबूत है कि मैं दो में जाऊंगा मौत का क्या सबूत है क्या सबूत है कि यसूख खुदा के बेटे नहीं हैं मुझे क्यों मुसलमान होना चाहिए वो आपसे पूछेंगे दस या बीस सवाल खुद को तैयार करें इन सवाल को जानें खुद से पूछें जवाब देने से कबल आपने हमरा रखे इस्लामी किताब ची और पम्फलेट अगर आप नहीं जानते आप जवाब नहीं दे सकते आपने हमरा कुतुब और पम्फलेट रखे अपनी गाड़ी में अपनी जेब के अंदर अपने ब्रीफ केस में आपने डेस्क के अंदर हमेशा उसे अपने साथ रखें लिहाजा अगर कोई आपसे कुछ पूछता है और आप शर्माते हैं या आप नहीं जानते ठहरिए एक मिनट रुकिए आप जाए और अपना आसान निकाले <laughs> उन्हें नहीं जानते जो आपको देखते हैं जो बाइक की सवारी करते हैं बैग पैग के साथ आपका क्या ख्याल है वो जानते हैं नहीं वो नहीं जानते आप उनसे एक सवाल पूछे वो कहते हैं ठहरिए है, मैं हैज एक मिनट के लिए तब वो बैग पैक की जाने जाते हैं या गाड़ी की जाने और जाते हैं अगर वो जवाब नहीं पा सकते वो कहते हैं मैं कल वापस आऊंगा वो इनशाला नहीं कहते वो कहते हैं कल मैं वापस आऊंगा वो वापस कलीसा जाते हैं किसी से पूछते हैं जिसने इस्लाम का मतलब किया होता है वो वापस आते हैं और आपको जवाब देते हैं और हम है कि हम बाइक पर सवारी नहीं कर रहे हमारे पास बैग पैक नहीं है हमारी दावत मुनसम नहीं है अपने रवैये की नजर सानी करें और अपनी नमाज की हिफाजत करें क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कुफार आपको देख रहे हैं आपके साथ ही हलकर आपके हमसाय स्कूल में आपके साथ ही वो आपको देख रहे हैं और वो उनमें से कुछ इस्लाम का मुताला कर रहे हैं वो इस्लाम पर गौर कर रहे हैं वो क्या मुताला कर रहे हैं वो आपकी जानब देख रहे हैं इस्लाम की पड़ताल और आपकी जानब देख रहे हैं जब उनसे पूछा जाता है फिक्र न करें वो दुरुस्त नहीं है वो वैसे नहीं है लिहाजा उनके बारे में फिक्र ना करें वो, है। वो हैं मुफ वो महज बुलबुले और समंदरी झाग हैं कचरा उनके दिलों में वहम है वो ज्यादा मुलविस है दुनिया में हमारी नस्बत ये वो कुछ है जो वो आपस में कहते हैं फिक्र ना करें वो गलत मुसलमान हैं। वो ज्यादा डूबे हुए हैं तालीम बराए दुनिया में वो ज्यादा गर्क है अपने रोजगार में वो ज्यादा गर्क है अपनी कौमियत में और अपनी सकाफत में और इसमें ज्यादा मुलवस है हमारी नस्बत हमें उनकी कोई फिक्र नहीं करनी है और दो वो कभी इस किस्म का जहाद नहीं करेंगे हत्या के वो जख्मी होना भी नहीं चाहते हती के वो बे आराम होना भी पसंद नहीं करते वो परेशान होना पसंद नहीं करते इस्लामी इज्तिमा में शामिल हो जाएं जाए और दावत के लिए जब कभी भी इलम के लिए इज्तिमा होता है उसमें जाए अपने कुनबे को उसमें लाए अगर चाहे आपका कुंबा अगर वो सो जाते हैं उन्हें सोने दें आप हदीस जानते हैं एक तवील हदीस एक इज्तम में मलाइका आए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और देखो जब कुछ लोग अल्लाह सुबहानो के घर में इकट्ठे हुए अल्लाह सुबहानों की किताब की तलावत करने के लिए अल्लाह ने मलाइका रवाना की किस लिए उसने मलाइका भेजे और वो गए उन इस्तेमाल को देखने के लिए और जब उन्होंने इस्तेमाल देखे वापस अल्लाह सुबहानों के पास गए और उन्होंने तस्करा किया नामों का उन लोगों के अल्लाह के सामने अगर से अल्लाह को तस्करा सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह उसे पहले ही जानता है लेकिन उसने उन्हें ये काम करने का हुक्म दिया और अल्लाह ने उनसे पूछा वो क्या मांग रहे हैं उन्होंने कहा ए अल्लाह वो तेरी रहमत अल्लाह ने फरमाया क्या तुम तो मेरी रहमत जानते हो अल्लाह वो नहीं जानते उन्हें दे दो जो मांग रहे हैं या अल्लाह वो माफी मांग रहे हैं अल्लाह ने कहा क्या वो मेरी माफी जानते हैं उन्होंने कहा नहीं अल्लाह ने कहा उन्हें दे दो वो मजीद क्या मांग रहे हैं या अल्लाह वो मांग रहे हैं जहनम की आग से आजादी क्या उन्होंने जन्म की आग देखी है नहीं उन्होंने जन्हम की आग नहीं देखी अल्लाह ने फरमाया नहीं उन्हें जहनम की आग से आजादी दे दो इसके अलावा वो क्या मांग रहे या अल्लाह वो तेरी जन्नत मांग रहे हैं क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है उन्होंने जवाब दिया नहीं अल्लाह ने कहा जन्नत दे दो तब उन्होंने कहा या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा है वो उनके साथ मशगूल नहीं उसने महज फैसला करना है अल्लाह ने फरमाया उसे भी दे दो मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा जो दूसरों को अता किया उस एक बंदे को वो जो कोई भी है इस किस्म के लोग मैं नहीं रोकूंगा जो मैंने दूसरों को अता फरमाया है कोई भी जो उनके साथ है लिहाजा दावत के हारे इज्तम में शामिल हूं इलम के हारे इज्तिमा में शामिल हूं ने फरमाया ने जो कोई अपनाता है रास्ता की जस्तुजु का अल्लाह सुबाह उनके लिए बनाएगा आसान उनके लिए आसान रास्ता जन्नत का अपने हमसायों को मधु करें अपने दोस्तों और साथी एहलकारों को दावत के इजलासों में उन्हें मधु करें हर मरतबा हम कोई दावत देते हैं कुफार को याद करवाए दावत के लिए हम खत्म करते हैं पचास मुसलमान और एक गैर मुस्लिम हम किसे बुला रहे हैं एक गैर मुस्लिम पांच सौ पांच सौ मुस्लिम आए और एक गैर मुस्लिम या पांच सौ मुसलमान आए और 20 गैर मुस्लिम क्या गलत है सिनेमा में जब नई फिल्म लगती है बाहर निकलते हैं बेतहाशा मुसलमानों से भरपूर सिनेमा घर मुसलमानों ने भरे हुए हैं चाहे वो आपको नहीं बुला रहे आप खुद ब खुद जाते हैं आप ऑर्डर कर रहे हैं फिल्में सेटेलाइट पर अगर वो आपको नहीं बुलाते आप उन्हें बुला रहे हैं लेकिन आप साथी को मद्दु करने के काबिल नहीं है और आपका हमसाय और आपका साथी अहलकार आप उन्हें बुलाने के काबिल नहीं उस पर जिसके मुताल आपको यकीन है वो आपको बुलाते हैं कचरे पर लेकिन आप उन्हें नहीं बुला सकते खजाने पर सुबह अल्लाह मुसलमान चार लाख या जायद मुसलमान सिडनी में ऑस्ट्रेलिया तादाद किसी ने मुझे बताई थी क्या यह दुरुस्त है बहन ने कहा यह दुरुस्त नहीं ज्यादा है हो सकता है छह लाख अल्लाह अगर यह सूरत हाल है कम अज कम अढ़ाई लाख नौजवान है नौजवान जिनकी उम्र पच्चीस बरस से कम है जो स्कूल जाते हैं जो काम करते हैं जिनके हमसाये हैं जिनके सबसे रवाबित होते हैं आप मुझे बताएं एक मुसलमान जो दिन में पांच मरतबा नमाज अदा करता है और वो हमसाये के साथ बात करते हैं या अपने साथी अहलकार के उनके दोस्त इस्लाम के बारे में इस्लाम के खजाने के बारे में वो मुहैया नहीं कर सकता साल में एक शहादत एक साल हजारों काफिरों में से जिनके साथ उनका रवाबित होता है आप ऐसा नहीं सोचते सुबह अल्लाह अगर अढ़ाई लाख मुसलमान दावत देते हैं स मिनट फी दिन वो मुहैया करेंगे इन शाह अगर ये नीयत है वो एक शहादत मुहैया करेंगे एक साल में ये कितने हुए सिडनी में कितने मुसलमान मान सकते हैं अढ़ाई लाख अढ़ाई लाख ये कुछ नहीं कुछ भी नहीं क्योंकि इस्लाम की दावत एटम बम से बढ़कर है पुरकुवत है हाइड्रोजन बम से बढ़कर पर पुरखुवत है न्यूट्रॉन बम से ज्यादा ताकतवर और काफी उनके पास एटम बम है उनके पास हाइड्रोजन बम है उनके पास न्यूट्रॉन बम है वो उन बमों को गिरा रहे होंगे बहुत जल्द हां वो ऐसा कर रहे होंगे लेकिन अल्लाह सुबहान हमें अता फरमाया डी बम दावत बम क्या ये इसे वाजे करता है लिहाजा कोई नहीं कहेगा कि खालिद यासीन ने ऑस्ट्रेलिया आया और मुसलमानों से कहा कि बम बनाया <laughs> दावत बम का मतलब है धमाका जो होता है लोगों को अल्लाह सुबहानों की जानब दावत देते हुए और वो उनके दिल बदल देगा और उनके जहन ये ये नहीं बनाता ये इमारत तबाह नहीं करता ये खूह खराबा नहीं करता और हड्डियां नहीं तोड़ता ये जिंदगियां तब्दील करता है ये दिलों और जहनों में जा घुसता है अल्लाह सुबहाना तला का कलाम मिठास और खूबसूरती अलैहि वसल्लम के रवैये की हम वो लोग हैं जो इस बम को उठाए फिरते हैं यह हमारे साथ है लेकिन हम इसे, इसे इस्तेमाल नहीं करते मुसलमानों हम खौफजदा हैं हम मुतासर हैं हम वाकिफ हैं इन बम्बों के इस्तेमाल से एटम बम हाइड्रोजन बम न्यूट्रॉन बम हम उनके बारे में बात करते हैं हमें अता किया गया है खूबसूरत तरीन और पुरखवत बम दावत बम बंग। दीगर बम्बों के मुकाबले में इस्तेमाल करने के लिए यकीन ये बर्बादी लाएगा और तहजीबों की तबाहकारी लेकिन दावत बम के जरिए हम हदायत का वादा मुतारफ करवा सकते हैं अखलाकियात और तहरीक हम दावत के जरिए दुनिया बदल सकते हैं Osionfish. हम दावत के लिए अपनी हालत बदल सकते हैं दावत के जरिए हालात बदल सकते हैं हम गैर मुस्लिमों का नजरिया तब्दील कर सकते हैं दावत के साथ दावत के साथ हम तब्दील और खत्म कर सकते हैं गलत बयानिया और गलत नजरियात दावत के जरिए हाँ दावत के जरिए हम ऐसा से कम खत्म कर सकते हैं जो मुसलमान महसूस करते हैं इस्लाम में अजीज भाई और बहनों दावत के जरिए हम खुद को तब्दील कर सकते हैं हम अपने कुनबों को तब्दील कर सकते हैं हम अपने मुआरे तब्दील कर सकते हैं और यकीन दावत के जरिए हम दुनिया तब्दील कर सकते हैं अजीज भाई और बहनों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुंतजमीन का इस लेक्चर की सीरीज पर मैं लेक मस्जिद की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस इज्तम के लिए सहूलत और जजाय खैर में हिस्सा लेने के लिए मैं तमाम भाई और बहनों का शुक्रिया जो लेक्चर सुनने आए और गैर मुस्लिमों को लेक्चर सुनवाने के लिए लाए मैं अल्लाह सुबहान तौ का शुक्र अदा करना चाहूंगा हमें तोनाई अता फरमाने पर और मौका देने पर यह जिम्मेदारी पूरी करने का किसी ने पूछा क्या आप अपना बयान या तबसरा करेंगे दुनिया पे जो पहले ही इराक पर चढ़ाई किए बैठी है क्या आपने कोई पैगाम हासिल किया नाम नहा इतिहादियों से ख्वाहिशमंद लोगों का जो कुछ भी मुझे इराक के बारे में कहना है मैं यहां नहीं कहूंगा और मेरा नहीं ख्याल सवाल मुतल या जरूरी है कि हम इस पर बात करें और अगर किसी ने यह सवाल पूछा था मेरे लेक्चर में मैंने जवाब की कोशिश की थी इस मसले के बारे में कि हमें क्या मौकफ इख्तियार करना चाहिए अगर आपने बखूबी सुना मैंने आपको कहने की कोशिश की हमें क्या करना चाहिए सब्र करें बर्दाश्त करें अल्लाह सुबहान से डरें और आखिर में भाई और बहनों जिस किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा कल फज्र के मौके पर मैं होऊंगा जी आर वाई सी फज्र के लिए फज्र पर मेरे साथ मुलाकात करें इंशाला हम उस पर बात कर सकते हैं भाई खालिद क्या होता है अगर हम दावत पेश ना कर सकें ऑस्ट्रेलिया में जुल्मों सितम के बाद ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे दावत देने की हमारी ना अहलियत जुल्मों सितम की वजह से ऐसी कोई चीज नहीं है ज्यादा पर यकीन ना रखें आपका क्या ख्याल है इस्तेमाल का नेशन ऑफ इस्लाम पर वो मुसलमान नहीं है उन्होंने कहा कि अल्लाह सुबहान तंसानी शक्ल में जाहिर हुआ यह क्या है वो कहते हैं कि कोई जन्नत नहीं है कोई जहनुम नहीं है ये क्या है ठीक है उनके बारे में मेरा नुकता नजर क्या है उन्होंने कहा कि मोहम्मद वसल्लम के बाद एक पैगंबर है ये क्या है उनके मुतालिक मेरा क्या ख्याल होगा अगरचे वो कुछ काम कर रहे हैं जो उन्हें मुसलमान जाहिर करता है क्योंकि हम उसे नहीं कर रहे ये मसला है कोई मुगालते का शिकार है क्योंकि वो कर रहे हैं जिनकी उनसे तो है लेकिन वो उन्हें मुसलमान नहीं बनाता असलकम दौरा ऑस्ट्रेलिया पर आपका शुक्रिया मैं दावत दे रहा हूँ गैर मुस्लिमों को अलहमदल्ला मैंने दो गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया है शहादत देने के लिए मेरा वाहिद मसला कुछ काफिर थे एक सवाल के हमरा मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा और सवाल यह है कि अल्लाह को किसने तख्लीक किया बर मेहरबानी मेरी मदद करे इस सवाल के लिए कोई मदद नहीं है पैगम्बर वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्फार वो जारी और सारी रखेंगे आखिर में वो कहेंगे अल्लाह को किसने तख्लीक किया इसके जवाब की हत्या की कोशिश भी ना करना हमारे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं अल्लाह अल्लाह है वो खालिक है और हम मखलूक हैं अगर किसी को इस सवाल के साथ मसला है और उसकी वजह से वो ईमान लाने पर रहागेब नहीं होता उन्हें महज छोड़ दें आप जादूगर नहीं हैं और अगर आप थे आप पर हुक्म हलाक कर दिए जाएंगे लिहाजा हम कोशिश नहीं कर रहे लोगों पर कुछ चीज साबित करने की हमारा काम नहीं है ये इस किस्म के सवाल का जवाब देने की कोशिश करना हमारा काम है उन्हें अता करना वो इल्म जो हमारे पास मौजूद है उन्हें अल्लाह सुबहान तला की सिफात बताना उन्हें बताना لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم هنا بتانا كي اگر وہ ہنوز अल्लाह आपको जजाय खैर दे भाई लेक में एक मसला है और सिडनी के दीगर मकाम में भी इतिहाद का फुकदान है बहुत से लम्हा हमरा मुख्त तहरीके हमरा मुख्त आइडियाज और कुछ मगालते का शिकार है क्या मैं खुद को इस ग्रोह में मुलविस करूं या दीगर ग्रोहों का साथ दू मुसलमान भाई और बहनों के लिए मेरा मश्रा है कि किसी को तलाश करें जो हो नेक और काबिल एतमाद इल्म का हामिल और ताल इल्म बन जाएं, इस्लाम का इल्म हासिल करें लेकिन इस्लाम नाम में नहीं है इस्लाम ग्रो में नहीं है नहीं मैं नहीं कहता आपको जमात के साथ होना चाहिए जमातुल मुस्लिमीन, कुरान सुन्नत की जमात हां आपको होना चाहिए ये ग्रो है लेकिन जमात नामों में नहीं नाम की बदौलत किसी से ना मिले अगरचे वो खूबसूरत तरीन नामों के हामिल हैं उनमें शमूलियत इख्तियार ना करें लेकिन अगर कोई या मुफकर याब मौजूद है या इल्म के याब इलम का तालब इम उस हल्के में शमूलियत इख्तियार करें और तब उनसे पूछे उसके बाद आप किस हल्के में शामिल हो सकते हैं इसका इल हासिल करने के बाद आप उस हल्के में शामिल हो जाए जिनमें हम शामिल हैं भाई हम कैसे बुलाएं गैर मुस्लिम हमसायों को इस्लाम की जानेब अगर वो नहीं ले रहे आपकी दावत में दिलचस्पी लेकिन एहतराम करते हैं आपको उनसे बात करना होगी खाना खिलाए घर बुलाए अगर आप उनके घर के सामने कचरा देखते हैं जब आप कचरा साफ करें उनका भी कर दें जब आप अपने घर के सामने झाड़ू देते हैं उनके घर के सामने भी झाड़ू दें अपनी बीवी को भेजें उसकी बीवी से दरियाफ्त करें उसके कुनबे के मुता पूछें और उसे भी बताएं मेरा नाम खालिद है मैं आपके बराबर में रहता हूं मैं आपका हमसाया हूं अगर आपको किसी चीज की जरूरत है मुझे बताएं आप हर वक्त ये सब कुछ करते रहें क्योंकि अगर आप मेहरबान हैं नफीस हैं अगर आप ईमानदार हैं हमसाया आपका एहतराम करेगा और वो आपकी बात सुनेगा और अगर आप वो आपकी बात सुनता है उसे खाने पर बुलाए या उसको खाने पर मददू करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया السلام من لم تعرف. तुम्हारा रवैया कारगर साबित होगा ज्यादा पंफलेट तकसीम करने से मत खटखटाएं अपने हमसाए के दरवाजा और एक पंफलेट उसे थमा दे और माँ बाप अपने घर की जानेब दौड़ लगा दें और आप कहेंगे क्यों वो दावत कबूल नहीं करता ये वो तरीका नहीं जो अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया भाई क्या आप ख्याल करते हैं हम मुसलमानों को दावत देनी चाहिए या ज्यादा तवज्जो मुसलमान भाई और बहनों पर रखनी चाहिए जो ईसाइयों और गैर अहले ईमान की जानिब जा चुके हैं ओ नहीं ये दुरुस्त तो नहीं है आप हर एक को दावत दें यकीनन हम मुसलमानों को भी नसीहत करते हैं मुसलमानों की तरबियत हम अपनी तस्खीर करते हैं तस्खीर मुसलमानों के साथ हम मुसलमानों के साथ ताउन करते हैं मुसलमानों के साथ तोजो हम कुफार को दावत देते हैं इस मसले में गलती ना करें मैं नहीं कहता मुसलमानों को नजरअंदाज करें लेकिन यह कुली आइडिया हमें कुफार को तनहा छोड़ देना चाहिए और महज मुसलमानों को मजबूत बनाना चाहिए ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत आइडिया अपनाया आपने गलत आइडिया अपनाया है जहर आपके घर में आ रहा है आपके बच्चे आपकी बीवियां जहर का ढेर लगा हुआ है और आप कहते हैं कि महज मुसलमानों की परवाह करनी चाहिए नहीं ये दावत महज मुसलमानों के लिए नहीं है यह दावत पूरी दुनिया के लिए है अल्लाह सुबह ने अलैहि सल्ला से फरमाया क्या तुम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत हो रिलाआल सारी दुनिया के लिए हमें हिफाजत करनी है खुद के अपने कुनबों की और मुसलमानों की हां लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस्लाम का खजाना बांटे गैर मुस्लिमों में बतौर मुसलमान मुझे आलमी सियासत पर गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ रद्द अमल जाहिर करना चाहिए मसलन सोशलिस्ट क्या हमें जुलूसों में शिरकत करनी चाहिए मैं इसका मशवरा नहीं देता जुलूस और मार्च वगैरह मैं नहीं कहता इसमें कोई अच्छाई नहीं भाई और बहनों सुने मैं पत्थर नहीं फेंकूंगा जमारात पर लेकिन यह कि हज का हिस्सा है हम जमारात पर पत्थर इसलिए नहीं फेंक रहे हैं कि इससे शैतान को नुकसान पहुंचे लेकिन इसे हम हज की एक अलामत के तौर पर कर रहे हैं जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि कुर्बानी करो अपने बेटे की हम फेंक रहे हैं जमारात पर पत्थर जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान पर फेंके थे हम इसे अलामत करते हैं हां मैं कहता हूं मार्च एहतजाज चिल्लाना अल्लाह अकबर गलियों में चार लाख जो कुछ भी हो यह कुछ करेगा लेकिन अगली सुबह आप देखेंगे वहां कुछ नहीं है यह चीनी खुराक है आप इसे खाएं बीस मिनट बाद आपको फिर जरूरत होगी ये कुछ नहीं करता तकरीबन चार लाख मुसलमान जिन्होंने लंदन में मार्च किया जब मैं वहां मौजूद था चार लाख ने मार्च किया वो दिन भी सर्व किया बीस या तीस पौंड जो है तकरीबन कितने डॉलर पचास या साठ ऑस्ट्रेलिया डॉलर लिहाजा चार लाख जर पचास या साठ डॉलर शराब पर सुबहानल्ला इस रकम को जमा करें एक दिन में वही मुसलमान वो तामीर कर सकते हैं यूरोप में दस मसाजिद और दस स्कूल और वो मुनजम किए गए थे इतिहाद जंग रोकने के लिए जंग रोकने का इतिहाद कौन है सोशलिस्ट कैमोनिस्ट हम जींस परस्त सुबह अल्लाह भाइयों मोहतात रहे आप क्या सोच रहे हैं पैगंबर वसल्लम ने ऐसा नहीं किया ये हमारा अंदाज नहीं है ये उनका अंदाज है हमारा अंदाज मुख्तलिफ है ऐसा नहीं कि उसमें कोई अच्छाई नहीं है कत्ती तौर पर लेकिन भाइयों हमारा अपना तरीका है अपने तरीके की पैरवी करें आ, सवाल यह है बहुत से भाई ने खातीन को दावत देते हैं क्या आप वजाहत करेंगे आमतौर पर जब एक मार्द दावत दे रहा है एक खातून को उसके जिस्म का एक हिस्सा उसके सर से ज्यादा दावत देता है भाइयों को मोहतात रहना चाहिए आप बहनों से कैसे बात करते हैं आप कैंपस में क्यों खुतिन से बात करते हैं आप उनके मलबूसात देखते हैं या आप उसके सामने खड़े हैं आप आसमान में क्या झांक रहे हैं और वो औरत भाई कैसे इस्लाम के मुतालिक क्या ख्याल है अल्लाह भाई भाई क्यों अहमक बनते हैं आप में हमें बताएं, उससे दूर देखें नीचे देखें अपनी नजर उससे दूर रखें उसे फोन नंबर दें और उस जगह की रहनुमाई करें जहां बहनें इकट्ठी होती हैं क्योंकि वहां बहुत सी बहनें हैं जो आपसे बढ़कर इल्म की हामिल होती हैं और बहनों को बहनों से मिलने दें या अगर आप दावत देना चाहते हैं उसे एक इज्तम में मजदूर करें जहां कोई उन्हें दावत दे एक मुनासिब तरीके से खुद को खतरे में मत डाले और मैं औरतों से भी कहता हूं औरत क्यों मर्दों को दावत दे रही है आम तौर पर जब औरत मर्द से मुखातिब होती है वो अकेले हैं। दो औरतें बक वक़्त बातें करती है एक इस्लाम पर बात करती है और एक खुद के मुतल बात करती है और आम तौर पर जब मर्द औरत के साथ बात कर रहा है वो दो है एक इस्लाम की बात करते हैं और एक खुद के बारे में बात कर रहा है खुद को बचाएं इस मुनाफिकत से और खुद को बचाएं फितने से मर्दों को दावत देनी चाहिए मर्दों को और औरतों को दावत देनी चाहिए औरतों को यह बेहतरीन काम है इन शवाल बहुत से गलत नज़रियात मुसलमानों के माबेन सिडनी में आजादाना मखलूत के मौजूद पर दो जिनसों का मखलूत होना यह मसला बेहद वाज है महज वो लोग जो चाहते हैं खिलाफ वर्जी हिजाब का मसला बेहद वाज है अल्लाह के पैगम्बर सल्ला वसलम ने फरमाया मैं पीछे छोड़े जा रहा हूँ कोई फितना नहीं अपनी उम्मत के लिए औरत से बढ़कर नहीं उनका मतलब उनका ये मतलब हरगिज नहीं था ये कहने का के औरत बजाते खुद फितने की वजह है नहीं वो खबरदार कर रहे हैं मर्दों को कि तुम्हारी ख्वाहिशा की वजह से तुम्हारे सलूक और रवैये के सबब तुम्हारे लिए एक फितना है अल्लाह के पैगम्बर सल्लाह ने हमारे उमूर का ढांचा इस तौर तरतीब दिया औरतों के तहफ के लिए और मर्दों के तहफूज के लिए हमें सुन्नत की पैरवी करनी है पैगंबर की सुन्नत पर अमल करें मर्दों को बचने की कोशिश करनी चाहिए औरतों की जगह पर बैठने से तब वक्त यह इंतहा जरूरी हो और अगर तब भी मोहतात रहें औरतों को बचना चाहिए मर्दों की जगह पर बैठने से तब वक्त यह जरूरी ना हो और अगरचे तब भी एहतियाती तदाबीर मद्देनजर रखनी चाहिए लेकिन मर्दों औरतों और और को मखलूत होना ये ऐसी चीज है जो हमने कुफार से ली है और हम सोचते हैं कि हम कुफार के देश में मुकीम हैं ऐसा करना दुरुस्त है और यही वजह है आपकी बेटियां जागुजी हो रही हैं नफसियाती तौर पर वो जागुजी हो रही हैं वो आलूदा हो रही हैं वो मुतासर हो रही हैं अरसाए दराज से ये अमल हो रहा है नहीं आपको अपनी बेटियों को मर्दों से मिलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए ना अपने बेटों को औरतों से मिलने की इजाज़त दें और मुस्लिम अकाबरीन इस बारे में खबरदार कर रहे हैं जैसे अल्लाह ने आपको खबरदार किया है लिहाजा ये मामला बेहद वाज़े है मुसलमान ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि वह मुंतशिर हैं किसी ने तस्करा किया कि वहां मौजूद है एक और मुझे आम बात करने दें भाई और बहनों सुने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में उन पर तोहमत लगाई गई उनके मुंह पर क्या ऐसा नहीं है क्या वो ना थे उन्होंने क्या किया क्या उन्होंने उस शख्स को थप्पड़ मारा क्या वो किसी को लाए किसी किसी मुसलमान को वहां पर उस शख्स को मारने या पीटने के लिए क्या उन्होंने दोबारा तलाश किया नहीं उनके साथ सब्र तहमुल से रहे क्या आपको दावत याद है हर मरतबा जब पैगंबर सल्लाह उस घर के नीचे से गुजरते थे वो कचरा फेंकती थी नीचे आप पर और एक दिन वो वहां से गुजरे और कोई कचरा ना आया लिहाजा आपने लोगों से पूछा वो औरत कहां है उन्होंने अर्ज की या रसोल्ला सल्ला वो बीमार है वो सीधे उसकी आयादत के लिए गए और उससे कहा तुम मुझे याद आ रही थी मैं तुम्हारे घर के पास से गुजरा और कुछ नीचे ना आया माशाल्लाह आपने देखा आप कैसे हैं कैसा महसूस करते हैं देखिए पैगंबर कैसे बात कर रहे हैं उस औरत को मुसलमान होना चाहिए था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये की वजह से आज रेडियो स्टेशन मौजूद है टीवी के लोग मौजूद हैं अखबारत मौजूद हैं इस्लाम पर तोहमतें लगा रहे हैं पैगंबर पर तोहमतें लगा रहे हैं कुरान पर बात कर रहे हैं लिहाजा हम क्या करें स्टेशन जला दे टेलीविजन जला दें रेडियो स्टेशन जाए और उन्हें मारे पीटे और उन्हें धमकी आमेज खात लिखे नहीं मुसलमानों ये मत करें उन्हें जवाब दें उन्हें जवाब दें सीधा जवाब जमा करें कुल रात पचास डॉलर दें अपने स्टेशन के लिए तब हम नशर कर सकेंगे सच्चाई लेकिन अहमकाना मुजाहरा न करें उन्हें अपना बटन दबाने ना दें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से क्या फरमाया हमारी मां जब यहूदी ने उनसे कहा तुम पर मौत नाजिल हो और उन्होंने क्या जवाब दिया तुम्हारे कुनबे पर तुम्हारे बच्चों पर और वगैरह वगैरह पैगम्बर सरमाया हमें यह हक नहीं है यह हमारा रवैया नहीं है भाइयों। गुस्सा मत करें उन्हें इजाजत न दें कि वो आपको इंतकामी बनाए वरना आप भी उन जैसे बन जाएंगे नहीं उन्हें जवाब दें ही सब करें भाई और बहनों इनशा सच्चाई वाज हो जाएगी आप क्या चाहते हैं लोग मुसलमान हो रहे हैं सितंबर 11 से पहले मुसलमानों को इल्जाम देते हैं सितंबर 11 का हर जगह मुसलमानों पर इल्जाम है लेकिन क्या हुआ अमरीका में हर साल बयालीस हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया हर साल सितंबर ग्यारह से कबल बर्तानिया में तेरह हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया बगैर किसी मुनजम दावत के सितंबर ग्यारह के बाद अमरीका में अठहत्तर हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया बर्तानिया में छब्बीस हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया आप क्या चाहते हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं अगरचे हमें लान तान की जा रही है और तोहमतें लगाई जा रही हैं, क्योंकि वो खाइफ है वो अल्लाह सुबहान तला के पैगाम को रोक नहीं सकते मुसलमानों महज अच्छे रवैये के हामिल बनो और दावत दो और बाकी काम अल्लाह सुबह पर छोड़ दो लान तान को वो खुद ही निमट लेगा हम कैसे दावत दें एक मुसलमान औरत को जो हिजाब पहनती है लेकिन लिबास ना मुनासिब। मेरा ख्याल है मैंने इस बारे में बात की थी और हम बहन के बारे में बुरी बात कहना नहीं चाहते सुने मुझे भाइयों से कहने थे। अगर आप ऐसी बहन देखते हैं जिसने आपके ख्याल में मुनासिब लिबास नहीं पहन रखा आप का मुजाहरा करें और तब पैगम्बर सलम ने फरमाया फरमाया सबसे पहले शायद यह आपका मसला ना हो उसका बाप है उसका भाई है उसका कुनबा है अगर आपको तश्वीश है तो उसके बाप और कुनबे से बात करें वरना अपने काम से काम रखें हो सकता है उसका दिल आपसे बढ़कर पाक साफ हो और उसे नशुनमा पाने का मौका दें अगर कोई बात इमाम मस्जिद को मुफक्करीन को इल्म के तलबा को इजाजत दें या किसी और को इंशाल्लाह उसके साथ सब्र का मुजाहरा करें मुसलमानों के साथ सब्र का मुजाहरा करें इंशाल्लाह और गलती आश्कार न करें मन सतर अल मुस्लिमन जो कोई छुपाता है गुना या मुसलमान की गलती अल्लाह उनकी शर्म रखेगा क्यामत के दिन लिहाजा भाई इस बारे में मोहतात रहे कोई कहता है, मैं जवाब दूंगा पांच मजीद सवाल के ठीक है मैंने चाहता, मैंने चाहता मुझे पसंद नहीं लोगों पर ज्यादा बोझ डालना मेरे लिए ठीक है मैं यहाँ मजीद एक घंटा काम कर सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं लोग कहते हैं आपके का लेक्चर के हवाले से जब आपने इस्लाम की जदीदियत के बारे में बात की है मगर समझौता नहीं हम कैसे खुद की निगरानी करें इससे और गैर मुस्लिमों को दावत दें ये सवाल बिलखसूस यूनिवर्सिटी के तलबा के हवाले से हैशेरे से अच्छा कबूल करें जहाँ आप रहते हैं अच्छाई कबूल करें जहां आप रहते हैं और बाकी छोड़ दें और इसे इस्लाम से मुस्तकम करें क्योंकि जदीदियत का मसला हम जदीदियत के मुखालिफ नहीं हैं नहीं है मुखालिफ हम जदीदियत के जदीदियत के हामी हैं हम जदीद बनना चाहते हैं लेकिन इसका मतलब मगरब जदा होना नहीं है जहां भी दुनिया में अच्छाई मिले उसे कबूल करें यही हमसे तो की जाती है लेकिन मगरब जिंदगी हर किस नहीं यूनिवर्सिटी में बतौरे तालब इलम उनके इल्म से बेहतरीन कबूल करें लेकिन मोहतात रहे जिनसे वो उसे हासिल करते हैं हमेशा हर चीज को छलनी में डालें कुरान और सुन्नत की अगर आप नहीं जानते कैसे बहन ने पूछा मैं कैसे मुसलमान हुआ मैं, मैंने हमेशा बताया यह कोई गैर मामूली दास्तान नहीं है मैं एक रात चहल कदमी कर रहा था मैंने एक रोशनी देखी आसमान में और कोई चीज नीचे मेरी जाने वाई ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी ने मेरे साथ इस्लाम के बारे में बात की जैसा कि आज बात कर रहा हूँ और जैसे मैंने कल बात की किसी ने मेरे साथ इस्लाम के बारे में बात की मुझे कोई चीज महसूस हुई और अल्लाह सुबहान तला की मेहरबानी से वो कहता है इस्लाम मुझ पर वाजे हो जाए तमाम तारीफ़े अल्लाह ही के लिए हैं कि हमारी रहनुमाई फरमाई उसकी रहनुमाई के बगैर हमें कभी ना मिलती हिदायत उसने कहा गैर मुस्लिमों के साथ बात करने का क्या बेहतरीन तरीका और मैं कैसे आगाज करता हूं हमेशा तोहिद इस्तेमाल करें रिसालत इस्तेमाल करें तोहैद पर बात करें रसालत पर बात करें आखिरत पर बात करें कुरान इस्तेमाल करें पैगंबर की सुनत मुबारक इस्तेमाल करें चालाक बनने की कोशिश ना करें महज अल्लाह सुबह ते अंबिया के किस्सों के बारे में बात करें पैगंबर अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें आखिरत पर बात करें दुनिया की बजाय इस्लाम पर।, इस्लाम पर बात करें और उसके बाद अपनी बेहतरीन कोशिश करें और जो कुछ आप नहीं जानते उन्हें किसी और के पास रवाना करें जो आपसे बेहतर जानता है जब आप दावत देने की बात करते हैं आप ये कहते हैं हमें गली में जाकर लोगों को इस्लाम की जाने बुलाना चाहिए नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा हमें जहीवा गवाह की माने नहीं करना चाहिए हम हज में उनकी पैरवी नहीं करते हम सौदाई नहीं है हम जहुआ नहीं है सात दिन के लिए हम नहीं है सौदाई हम इस राह पर गजन नहीं है क्योंकि वो जो वो करते हैं नहीं है वो तरीका जो हमें अपनाना चाहिए हमारा अपना अंदाज है पैगंबर की सीरत का मुताला करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सीरत मुबारक में देखें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और हमें ऐसी अंदाज से दावत देनी चाहिए आपका रवैया दावत का अवलीन जरिया है आपके हमसायों आपके दोस्तों और आपके साथी अहलकारों के लिए अपने रवैये को देखें मुसलमान जैसा मुजाहरा करें मुसलमान जैसी बात करें अमली मुसलमान बने और वो देखेंगे ऐसे जैसे आपका हमसाया बासमती चावल पका रहा है क्या वो उसे छुपा सकते हैं वो नहीं कर सकता बासमती चावलों का किसको पता है आप जानते हैं लिहाजा अगर उसकी खुशबू आएगी लिहाजा असल मुसलमानों की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे पास साइंसी हथियार है सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह को किसने तखलीक है बड़ा मेहरबानी मुझे एक हवाला दे ठीक है यहां ये भाई जिसने यहां इस सवाल का जवाब दिया है मैं आपके साथ बात करना पसंद करूंगा बाद में लिहाजा आपके साथ पास जो साइंसी हथियार हैं वो आप मेरे साथ शेयर करें सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह को किसने तख्लीक किया ठीक है इनशाला हम देखेंगे वो भाई किन साइंसी हथियारों का हामिल है और तब इनशाला हम नसीहत करेंगे ठीक है शायद मुराद है कि हम कैसे सवाल का जवाब देते हैं अलहमद लिहाजा कबूल है हमारे पास हुसन जन है भाई का क्या मतलब था कि हम जवाब कैसे दें क्या वो हम जवाब देंगे अल्लाह को किसने तख्लीक किया लेकिन हम कैसे इसका जवाब दें अल्लाह उस भाई को जजा दे इनशाला बर महरबानी मेरे साथ वो शेयर करें अगर मुझे वो अता करना चाहते हैं अगर ये बहुत मुख्तर है मैं शख्स को जवाब दूंगा जिसने ये पूछा अगर भाई के पास उसके हथियार हैं उसे तहरीर करें यह बहुत मुख्तसर होनी चाहिए और मैं आपके लिए सवाल का जवाब दूंगा उस शख्स को इनशाला दीगर अल्फाज में अगर यह कोई चीज है जिसे आप दो या तीन जुमलों में लिख सकते हैं मैं उस शख्स को जवाब देना बुरा महसूस नहीं करूंगा मेरे लिए मेरे पास फौरी जवाब नहीं है अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है मेरे पास जवाब है लेकिन उन लोगों को मेरा मशवरा जो दावत दे रहे हैं ऐसे सवाल का जवाब देने की कोशिश ना करें ऐसा नहीं कि हकीकत में इनका जवाब नहीं दिया जा सकता लेकिन कोशिश ना करें जवाब देने की लेकिन जवाब दिया जा सकता है लेकिन मैं मुसलमानों को मशवरा नहीं दूंगा जो दावत दे रहे हैं कि आपने ऊपर जिम्मेदारी लें क्योंकि आप मुगलते का शिकार हो सकते हैं आप क्या कहते हैं अगर कोई जो ये गैर मुस्लिम के करीब है वो दावत दे लेकिन किस सब वो गैर मुस्लिम के करीब है कभी कभार लोग लंबी दाढ़ियों या पर्दे से मुंह मोड़ लेते हैं अच्छा देखो अल्लाह सुबहान जानता है हम क्या करते हैं जब हम जाते हैं दया गैर हम अपने घरों में क्या करते हैं उससे खदशा है उस मर्द या औरत को नुकसान पहुंचने का और उस सब से वो तब्दील होकर कुफार पर जाहिर होते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज का खौफ है तो क्या रुनमा होगा या उन्हें यह करने का कहा उनके अमीर ने या उनके बाप या उसने किसी ने भी यह और मसला है मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा लेकिन आम बात करते हुए हमें तब्दील नहीं होना है या या सुन्नत मुबारक पर समझौता नहीं करना सुन्नत पर दावत देने के लिए हम क्यों ऐसा करते हैं आपका क्या मतलब है आपका मतलब है एक बहन अपना हिजाब उतारकर कर दीगर गैर मुस्लिम औरतों के साथ बैठ सकती है और वो उनके साथ बातें कर सकती है या वो क्या कर सकती है आपका क्या मतलब है या जब वो लिबास हटाती है या उसे उठाती है वो देखी जाएगी उसकी महक देखी जाएगी ये मुझे समझ नहीं आता नहीं उसे दावत देने के लिए इस किस्म का समझौता नहीं करना चाहिए दर हकीकत उसके लिए बेहतर है कि अपने घर में मुकीम रहे और कंप्यूटर पर दावत दे या पैगाम तहरीर करते हुए दावत दे और अपनी महक महफूज रखे हिजाब में रहे उस पर पाबंदी नहीं कि वो ये सब कुछ करे ये सादा है एक मर्द कैसे मुझे बता सकता है कि उसे दावत देने का हुक्म है कुफार अगर वो अपनी दाढ़ी की शेब बनाता है ये किस किस्म की हमाकत है यानी पैगम्बर के हुक्म दूली कर रहा है ये समझ नहीं आता नहीं भाइयों हमें आ, हम ऐसा नहीं करते एक औरत नहीं करती एक औरत रात को तवायफ गिरी नहीं करती क्योंकि वह सुबह स्कूल में पढ़ाना चाहती है वो यतीम खाना बनाना चाहती है और एक मर्द वो अल्कोहल फरोख्त नहीं करता तमाम दिन क्योंकि वो एक तामीर करना चाहता है नहीं आपने अल्लाह सुबहान की नाफरमानी नहीं करनी लोगों को इस्लाम की दावत देने की खातर नहीं लिहाजा अगर आपका यह मतलब नहीं है तब अल्लाह सुबहान तला आपके सवाल के लिए आप पर अपनी रहमत फरमाए लेकिन तब आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं हकीकत में आपका मतलब क्या था हम समझौता नहीं करते दावत का आपका क्या ख्याल है कि नाइट क्लबों में दावत देने के लिए जाना चाहिए गुमशुदा भाइयों और बहनों को वो जो नाइट क्लब के अंदर जाता है वो भी किस कदर अंदर खो जाता है ए इधर देखें मेरा मतलब है देखें आप कचरा दान मत खोलें तलाश करने के लिए हलाल खुराक <laughs> क्या आप कब्रिस्तान जाते हैं ये देखने के लिए के वहां कुछ लोग जिंदा हैं आप उस जगह पर जाते हैं जहां लोग बदतर अफाल अंजाम देते हैं जिससे अल्लाह सुबह नफरत करता है और वो गंदगी में मुलविस होते हैं गंदी चीजें सुनते हुए और आप वहां जा रहे हैं उन्हें पाकिजा कलाम सुनाने के लिए वो मैं नोशी और मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उन्हें दावत दे रहे हैं कहा लंदन में कुछ भाई और बहनें ऐसी हैं जो बाहर निकलते हैं सुबह के दो या तीन बजे कुछ के हमरा उनकी बीवियां भी होती हैं और वो चौक पर खड़े होते हैं जहां लोग क्लबों से बाहर निकलते हैं और वो उन्हें दावत दे रहे होते हैं मैं कहता हूं वो बाजरत है वो बहुत जरूरतमंद है लेकिन ये नहीं है लेकिन ये पुरवकार नहीं है ये वो अंदाज नहीं है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हम मायूस नहीं है हम जहुआ नहीं है हम लोगों की रूहों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और हम आग में नहीं जा रहे लोगों को बाहर खींचने के लिए नहीं ये दावत नहीं है भाई और बहनों आप किसी और कोशिश में हैं पहले खुद को और अपने कुनबे को बचाएं दावत एक मिनज की हामिल है हम दावत नहीं देते इस तौर हम महज छलांग नहीं लगाते हम महज छलांग नहीं लगाते और बाहर निकलते हैं बिस्मिल्ला मैं दावत देना चाहता हूं और कुछ काफिरों को पकड़ता हूं ये नॉर्मल है ये तरीका है खुद को तैयार करें मंसूबा बंदी करें स्कीम बनाएं आप ना सामान उठाएं आप कहीं नहीं जा रहे इंतखाब करें जगह और वक्त का बेहतरीन जगह और वक्त दावत देते हुए गुरेज करें हम कैसे गुरेज करते हैं दाखिल होने से गुस्सा मत करें लग जब लग जब लग जब गुस्सा मत दिखाएं दोम लोगों को मद्दू करें लोगों को अपनी मस्जिद में मदद ना करें।, करें लोगों को अपने पास मदद ना करें लोगों को अपने ग्रोह में मद्दू ना करें लोगों को मस्जिद मदद ना करें लोगों के साथ बहस ना करें क्योंकि आप उन्हें शिकस्त देना चाहते हैं क्योंकि ये मुकाबला नहीं है आप मुकाबले में नहीं है आप बाहर छलांग लगाना नहीं चाहते और एक मुबासे में मसरूफ हो जाए अगर आप वो कुछ करना चाहते हैं बस बॉक्सिंग के चंद दस्ताने फेंके और देखें कौन बेहतर है ये दावत नहीं है और अल्लाह शेख अहमद दीदत को जजाय खैर दे और अल्लाह शेख जाकिर नाइक को जजाये खैर दे अल्लाह उन भाइयों को जजाये खैर दे जो वहां मौजूद है जरब लगा रहे हैं और बलाओं को हला कर रहे हैं लेकिन अगर आप महसूस करते हैं वो ज्यादा लोगों को इस्लाम में दाखिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब आप उन्हें हरासा करते हैं जब आप उन्हें शिकस्त देते हैं और हरासा करते हैं और आप उन्हें नंगा करते हैं वो इस बारे में अच्छा महसूस नहीं करते आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते और उसके बाद उन्हें कहीं इस्लाम कबूल कर रहे लिहाजा ये बेहतर नहीं है जब अल्लाह फरमाता है यहाँ बहस का मतलब है चीखना चिल्लाना और आवाज बुलंद करना नहीं यहाँ इस किस्म की बहस नहीं यहाँ बहस का मतलब है जय दिल मतलब है उनके साथ बात करना उनकी बात सुनना और उन्हें जवाब देना इस अंदाज के साथ जो उनके अंदाजे गुफ्तगु से बेहतर हो और बेहतर सबूत और शवाहद के साथ और जब गुप्तोशनीद बन जाती है नारवा बेअदबी की हामिल फजूल तब आपको कहना चाहिए बहुत शुक्रिया आपके साथ उम्दा गुफ्तु हुई आप खुश रहें और अल्लाह आपको हिदायत देखूम दी बस एक दूसरे दिन वो जो लड़ता है और भाग जाता है एक दूसरे दिन लड़ने के लिए जिंदा सलामत होता है ये एक कहावत है लिहाजा वो जो दावत देता है और अंदाज में रुखसत होता है वकार रखता है और आप खुद को एक और मौका देते हैं, से रुखसत होते हैं। अगली मरतबा वो आपको वैसे ही पुरवकार देखते हैं यह आइडिया है और मत सोचिए आप बाहर निकल रहे हैं लोगों को आमादा करने के शहादत दें एक पेनकेक की माने आप जानते हैं आप एक फौरी शहादत चाहते हैं फौरी आप किसी से बात करना चाहते हैं आप मशीनी अंदाज चाहते हैं अभी और इसी वक्त या आप अगर उनसे दो या तीन मरतबा बात करते हैं नहीं आ, तब आप अंदर से कुछ चीज महसूस करते हैं पैगंबर नू अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक दावत दी 950 बरस वो अल्लाह के पैगंबर हैं, सुबह अल्लाह क्या है हम दावत देते हैं आपने महज पांच मिनट सर्फ किए चंद दिन या चंद हफ्ते हम परेशान हो जाते हैं हम लोगों पर लान तान करते <laughs> नहीं भाइयों बहनों अपनी पड़ताल करें अपनी नीयत की पड़ताल करें इनशाला क्या आप सोचते हैं बाहर निकलना ठीक है ठीक है इसका जवाब हो गया है आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जिनका खुदा पर ईमान है लेकिन कहते हैं आ, जैसे मजहब जंग का सबब बनता है लिहाजा वो किसी मजहब की पैरवी नहीं करते ठीक है ये लोग जो कहते हैं मजहब जंग का सबब बनता है आप उनसे कह सकते हैं हाँ कई जंगे हुई जो लड़ी गई मजहब की वजह से जिंदगी के निजाम की वजह से हाँ ऐसा है वो क्या कहते हैं ये और यंग वहाँ नमक और काली मिर्च है वहां ऊंच नीचे वहाँ हक है, है वहाँ बातिल है ठीक है इंतहा के बार्स भी हमेशा मौजूद होता है कोई उसे खत्म नहीं कर सकता लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं तस्लीम करने की एक खालिद मौजूद है और एक कानून खालिद मौजूद है और हम तखलीक है एक फरमा रवा मौजूद है एक और हम रियाया है ये मसला है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं इस मसले के साथ आगाज करते हैं कि अल्लाह सुबहान तौला मौजूद है और वो इबादत का हकदार है उनके साथ बात करें इस मसले पर कि अल्लाह सुबहान तला फरमाता है ये मसला है अगर आप साबित कदमी से लोगों को बुलाते हैं इस्लाम की हम वो नहीं सुनते कि आपको सवाब मिलेगा हाँ लाजमी तौर पर आपको दावा देना तर्क नहीं करना चाहिए किसी मखसूस शख्स को अगर वो कोई मुस्बत अलामत जाहिर नहीं करता ठीक है अगर वो बदगलामी करते हैं अगर वो लान तान करते हैं और कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दे उसे अकेला छोड़ दे लेकिन अगर कोई दिखाई देते हैं हर मरतबा जब आप उसे मिलते हैं वो मजीद बात करना चाहते हैं जो दे सकते हैं उन्हें दें क्योंकि शायद आज आप नहीं जानते कल अगले दिन आप उनमें शामिल हो जाए ये चीनी कहावत है मैं आपको बताना चाहता हूं वो शख्स जो सेब का दरख्त लगाना चाहते हैं एक मुख्तलिफ शख्स वो एक मुख्तलिफ अहद कहते हैं जो लगाना चाहते हैं बांस का एक दरख्त सेब का दरख्त फल देगा तकरीबन दो या तीन बरस बाद लेकिन बांस का दरख्त साठ बरस तक भी बांस का दरख्त नहीं बनेगा लिहाजा आपको इस समझ बूझ के साथ दावत देनी चाहिए कि महज आप हैं जो दावत दे रहे हैं लेकिन आप वो हसी नहीं है जो हिदायत दे रही है आप दुनिया में फ्री मेसन तहरीक के बारे में क्या जानते हैं मैं ज्यादातर नहीं जानता मैं हूं महज मैं अपने कुनबे में वाहिद मजहबी हूं मैंने उनकी मदद की और उन्हें दावत दी लेकिन वो हमेशा मुझ पर हमलावर होते मैं मैं जानता हूं कि मैं उन्हें हलाक कर सकता हूं नहीं हलाक कर सकता क्या करूं सब्र का मुजाह करें बहनों और भाइयों देखें मुझे आपको एक दास्तान बताने दें जब मैं मुसलमान हुआ मेरे भाई और बहनें थीं उन्होंने कहा तुम जरूर पागल हो तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम सर पर टोपी पहने हुए हो और ऐसा लिबास तुमने मजहब तब्दील कर लिया आपना नाम तब्दील कर लिया हमारा ख्याल है कि तुम्हें अस्पताल ले जाएं। आपके ख्याल में कितनी देर तक मैंने अपने बहनों और भाइयों से बात की तवील अरसे तक वो मुझे संजीदगी से ले और वो मुझे देखा करते थे जब मैं बाथरूम में जाता था जब मैं बाहर आता वजू करता भीगा हुआ था और मैं सजदा करता वो कहते ये क्या कर रहा है वो अपना चेहरा जमीन पर रख रहा है वो बाथरूम के अंदर गया सारा भीगा हुआ, उसका चेहरा जमीन पर है ये क्या कर रहा है और मेरी माँ वो खामोश रहा करती थी वो मुझे देखा करती थी हर रोज अलैहि वसल्लम इतर लगाना पसंद फरमाते हमेशा वही इतर एन यहाँ और मैं हमेशा इधर लगाया करता था एक लम्हा में आपको कहते, हैं, क्या है? हाँ, मैंने कहा ये मुबारक लिहाजा हर मरतबा देखती बेटा मुझे कुछ आयल दो और मैं उन्हें दे दे दे। आज वो ही मेरी जेब में है क्योंकि मेरे पास तीन मौजूद है एक मेरी माँ और एक मेरी बहन के लिए क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ हमेशा हु, उन्हें कहा आपने देखा मेरी माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी क्योंकि इधर जो वो पसंद करती थी किन की जानब से था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से वो हमेशा मुझसे पूछती थी वो तमाम खूबसूरत भाई जिनके साथ होते हो वो किस कदर खूबसूरत है वो किसके बारे में बात कर रही है क्योंकि वो बेहद हयादार है क्योंकि उनके चेहरे पर रोशनी है अल्लाह ने उन्हें दीगर मर्दों की नस्बत खूबसूरत बनाया है क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ये मर्दों को खूबसूरत बनाती है और तब मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती तुम जानते हो बेटा तुम जिस में दाखिल हो रहे हो मैं उसे नहीं बेहद उमदा है वो बड़े मेहरबान और उमदा है वो, वो उन्हें पसंद करती थी मैंने अपनी माँ से इस्लाम के बारे में बात की और कभी कभार उससे मुझे बताने की जरूरत दरपेश होती मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि मैं उसका खाना खाता था वो मुझे कहती घर से निकल जाओ लेकिन आपका क्या ख्याल है सात बरस बाद मैं मक्का रवाना हो रहा था और हवाई अड्डे पर मौजूद थी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया कबल इसके कि मैं जहाज पर सवार होता हज पर जाने के लिए लिहाजा सब्र करें मैं एक भाई और बहन को जानता हूं एक भाई और बहन उन्होंने अपनी मां को दावत दी बारह बरस तक और उसने कबूल ना की बारह बरस और बारहवें बरस मां ने उनसे कहा वो एक दूसरे शहर में मुकिन थे मुझे मिलने के लिए आओ क्योंकि मुझे वो कुरान चाहिए और मैं मुसलमान होना चाहती हूं मैं कार्डोफ में एक भाई को जानता हूं उसका नाम इब्राहिम है वो आपको बताएगा जब वो मुसलमान हुआ उसकी मां ने कहा मेरे घर आना दोबारा मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती और उसने मुझे एक दास्तान सुनाई उसने कहा वो महसूस करती थी जैसे उसका बेटा मर चुका है कि उसने उसका दिल तोड़ा वो समझ ना सकी वो इस किस्म का काम कर सकता था वो कैसे कुछ उन लोगों में शामिल हो सकता था क्या आप ख्याल करते हैं वो एक मुसलमान थी जब वो मुझसे बात करती थी इब्राहिम ने मुझे बताया एक दिन उसकी मां ने अपने बेटे से कहा तुम फौरन यहां से चले जाओ वो आया और पूछा मां क्या बात है वो कहती मैं नहीं जानती वो कहती मैं नहीं जानती लेकिन मैं इस किताब से पढ़ रही हूं जो तुमने घर में रखी है मैं इसकी हर बात पर ईमान रखती हूं मैं मुसलमान होना चाहती हूं क्या मैं मुसलमान हो सकती हूं ये कैसे रूनमा हुआ अल्लाह को इल्म अल्लाह बेहतर जानता है बहन सब्र करें भाई सब्र करें उन्हें अपना रवैया देखने दें उन्हें दावत न दें महज बात करें बातें बातें अपने रवैये को काम करने दें आइए हम पकाते हैं उन्हें देखने दें अपनी मेहरबानी अपना इंसाफ वकार अपना एहतराम उन्हें पैगंबर की सुनत देखने दें वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जानेब आएंगे जब वो उन्हें आपके जरिए देखेंगे और सब्र करें उन पर जब्र ना करें आप करें जो आप कर सकते हैं और आप वो करें जो आप कर सकते हैं और समझ लें कि अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आप अपने प्यारों को मजबूर नहीं कर सकते ईमान लाने पर आप देखते हैं अगर मामला ऐसा ही है क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे अब मुसलमान हो जाएं उन्होंने किया उन्होंने नहीं किया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चाहते थे उनके तमाम चचा मुसलमान हो जाए वो नहीं हुए लिहाजा सब्र करें इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि तमाम सवालत हम अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते हैं हमने तकरीबन 25 सवाल के जवाब दिए माशाल्लाह हम इन सब का जवाब ना दे सके जो जवाब देने के लिए नहीं है हम दोबारा कहते हैं है भाई और बहनों में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ